अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। होप कि सारे अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे घरों में। तो आज मैंने आपके लिए एक और नया लेक्चर लाया है फ्रॉम एनिमल किंगडम, और जो आज का टॉपिक है वो है पाइसिस। तो आज हम सुपर क्लास पाइसिस पढ़ेंगे। उसमें जो क्लासेस आती है दैट मीन्स कॉन्ड्रियो थाइसिस एंड ऑस्टियोथाइसिस, उनको हम आज पढ़ेंगे। कल हमने कंप्लीट किया था साइक्लोस्टोमैटा। जो साइक्लोस्टोमैटा था वो एगेंथोस्टोमैटा में आता था। तो एगेंथोस्टोमैटा एक डिवीजन था वर्टिब्रेटा का। वर्टिब्रेटा के दो डिवीजन निकलते थे, एगेंथोस्टोमैटा एंड गैंथोस्टोमैटा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम गैंथोस्टोमैटा में पाइसिस, सुपर क्लास पाइसिस पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि जब भी ये लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा तो प्लीज एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और इस मेरी चैनल को, मेरे वीडियोस को आप शेयर कीजिएगा, सो दैट एवरी स्टूडेंट विल गेट बेनिफिट फ्रॉम माय वीडियोस। ठीक है, तो चलिए आज चलते हैं टुवर्ड्स द पाइसिस। नाउ पाइसिस, अगर मैं एक स्केच डायग्राम यहाँ पर बना दूं, सिंपली स्केच वर्क में यहाँ पर बना दूं, हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम कॉर्डेटा। तो हमने ठीक कहा कॉर्डेटा है, फिर हमने उसके तीन, अगर मैं यहाँ पर छोटा सा बना, हमने कहा था फाइलम कॉर्डेटा, फिर डिवाइड हो गया था इंटू थ्री सब फाइल्स। तीन सब फाइल्स बने थे उसमें। एक कौन सा था? यूरोकॉर्डेटा, दूसरा सेफलोकॉर्डेटा, और तीसरा था, द थर्ड वन वाज वर्टेब्रेटा। ठीक है, तो ये तीन सब फाइलम्स थे। अब इन दो सब फाइलम्स को हमने पढ़ा है, और इनका दूसरा नाम भी था प्रोटोकॉर्डेट्स, क्योंकि ये प्रिमेटिव कॉर्डेट्स थे। दिस वे नोन एज प्रोटोकॉर्डेट्स। वर्टिब्रेटा जो था, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, फिर उसके बाद डिवाइड हो गया था इंटू डिविजन्स बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ जर्म्स। ठीक है, एगेंथोस्टोमैटा, एगेंथोस्टोमैटा एंड गैंथोस्टोमैटा, एगेंथो एंड गैंथोस्टोमैटा, इसी में डिवाइड हो गया था। तो सब फाइलम वर्टेब्रेटा इज डिवाइडेड इनटू टू डिविजन्स, एगेंथो एंड गैंथोस्टोमैटा। एगेंथो, जिनको हम जालस वर्टेब्रेट्स भी कहते थे, दे वर नोन एज जालस वर्टेब्रेट्स। और गैंथोस्टोमैटा को हम कहते थे जाड़ वर्टेब्रेट्स, क्योंकि इनमें प्रेजेंस ऑफ जाल थे। एगेंथोस्टोमैटा में खाली एक ही क्लास आता था, द सिंगल क्लास विच द एगेरोथोस्टोमा इज हैविंग वॉस, इसमें एक ही क्लास था, क्लास साइक्लोस्टोमैटा, तो कल हमने क्लास साइक्लोस्टोमैटा खत्म किया था, जिसमें एग्जाम्पल थी लैप्रिक्स। ठीक है, पेट्रोमाइजोन जिसको हम कहते हैं, या लैप्री या हैग फिश, इसकी एग्जाम्पल थी। साइक्लोस्टोमैटा हमने कल खत्म किया है, कल के लेक्चर में। Now we will move towards, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं गैंथोस्टोमैटा, जिनको हम जार वर्टेब्रेट्स कहते हैं। तो ये गैंथोस्टोमैटा जो है, दे वर डिवाइडेड, ये किस में डिवाइड हो गए थे? बेस्ड अपॉन द फिन्स एंड लिम्स, ये डिवाइड हो गए थे सुपर क्लासेस में। दो सुपर क्लासेस थे, सुपर क्लास स्पाइसिस या सुपर क्लास स्पाइसिस एंड सुपर क्लास टेट्रोपोडा, सुपर क्लास टेट्रोपोडा। तो टेट्रोपोडा फिर डिवाइड हो गया था इंटू क्लासेस। टेट्रोपोडा में कौन कौन से क्लासेस आते थे? देयर वायर एम्फीबियंस, वायर देयर रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। तो ये इसमें आते थे क्लासेस। These were the classes which come under the tetrapods. Super class Pisces जो है, ये Pisces जो है ना, ये Pisces divide हो गया है into two classes. One was Chondrichthyes, cartilaginous fishes जिनको हम कहते हैं, and Osteophytes. ठीक है? तो देखो, आज हम ये वाला खत्म कर देंगे. We'll try to finish this. Pisces, Chondrichthyes and Osteophytes, फिशेस का आज हम
यहां पर पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। सो दिस इज द स्केच डायग्राम, यू हैव टू रिमेंबर दिस स्केच डायग्राम। आपको ये स्केच डायग्राम थोड़ी बहुत आपके दिमाग में ये रहनी चाहिए कि भाई ये हुआ है और डेटा फाइलम और डेटा इस तरीके से डिवाइड हो गया है। नाउ पाइसिस, तो पाइसिस जो है दिस सुपर क्लास पाइसिस, इसमें ऑल द फिशेस जो भी ट्रू फिशेस होती है वो सुपर क्लास पाइसिस में आती है। वेदर दोज फिशेस आर कार्टिलेजस, चाहे वो कार्टिलेजस फिशेस हो चाहे वो बोनी फिशेस हो, लेकिन वो किस क्लास सुपर क्लास में आती है, पाइसिस में आती है। अब पाइसिस में देखो, अगर मैं इन फिशेस जो पाइसिस में क्या आते हैं, फिशेस, पाइसिस में कौन आती है, फिशेस आती है। अगर मैं इस सुपर क्लास पाइसिस का मैं कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बोलूं, तो दैट मीन्स मुझे वो एक्चुअली मुझे वो फिशेस के ही कैरेक्टरिस्टिक्स बोलने हैं, तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइसिस। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे पाइसिस में, पाइसिस जो भी पाइसिस में जो फिशेस होती है उनमें कौन कौन से बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके बाद हम कार्डियोथाइसिस एज वेल एज ऑस्टियोथाइसिस उठाएंगे। तो पहली बात, इसमें पाइसिस में कौन आती है, पाइसिस में फिशेस आती है, और स्टडी ऑफ फिशेस को हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ फिशेस को हम इक्थियोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ फिशेस, स्टडी ऑफ फिशेस इज नोन एज इक्थियोलॉजी, स्टडी ऑफ फिशेस इज नोन एज इक्थियोलॉजी। तो पहला वाला पॉइंट जो आप रिमेंबर रखोगे, दैट स्टडी ऑफ फिशेस इज नोन एज इक्थियोलॉजी, ठीक है, इक्थियोलॉजी। तो अब ये जो फिशेस है, फिशेस जियोलॉजिकल टाइम स्केल, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये इवॉल्व कब हुई है, ये इवॉल्व हुई है ऑर्डो वेंसियन पीरियड। तो ऑर्डो वेंसियन पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जो ऑर्डोवेंसियन पीरियड है, तो ऑर्डोवेंसियन पीरियड में क्या हो गई है, इवोल्व, दैट मींस ये हमें देखने को मिली, कौन, दीज फिशेस, द फिश लाइक दीज फिश क्रिएचर्स, दे वर डिटेक्टेड, दे गेट एवोल्यूटेड इन ऑर्डोवेंसियन पीरियड। ऑर्डोवेंसियन पीरियड जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बहुत सारे पीरियड है, उसमें एक पीरियड है दैट इज ऑर्डोवेंसियन पीरियड। उस ऑर्डोवेंसियन पीरियड में ये जो फिशेस है ये इवॉल्व हो गई, ठीक है। अगर हम एज ऑफ हम कहते हैं कि दिस इज द एज ऑफ मैमल्स और एज ऑफ फिशेस, तो अगर हम गोल्डन पीरियड कहें, गोल्डन पीरियड ऑफ फिशेस, गोल्डन पीरियड ऑफ फिशेस इज डिवोनियन पीरियड ऑफ पैलियोजाइक एरा। तो पैलियोजाइक एरा में डिवोनियन पीरियड है, पैलियोजाइक एरा, देखो पैलियोजाइक एरा व्हाट दिस मींस, पैलियोजाइक एरा डिवोनियन पीरियड। तो जब आप व्हेन यू विल गो इनटू द प्लस टू, जब आप प्लस टू में जाओगे तो वहां पर जियोलॉजिकल एवोल्यूशन में, एवोल्यूशन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर जियोलॉजिकल टाइम स्केल आती है, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में पीरियड्स इपॉक्स आते हैं, एराज, पैलियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, तो बहुत सारे एराज आते हैं, बहुत सारे पीरियड्स आते हैं, बहुत सारे इपॉक्स आते हैं, तो अकॉर्डिंग टू टाइम हमने इनको ये रखा है वहां पर, तो किस पीरियड में किस एरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो गए। तो ये जो पाइसिस है, पाइसिस ऑर्डोवेंसियन पीरियड में तो पहली मर्तबा देखने को हमें मिली, लेकिन उनका जो दैट मींस दे गेट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो उनका जो गोल्डन पीरियड था जिसमें वो बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गए, जिसमें वो बहुत ज्यादा इंक्रीज इन नंबर हो गई, दैट पीरियड वाज डिवोनियन पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एरा। और कभी कभार इस पर ऑब्जेक्टिव आता है, तो डिवोनियन पीरियड इज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ फिशेस, और एज ऑफ दैट इज द एज ऑफ मैमल्स, एज ऑफ फिशेस जो है, या सिंपली आप याद रखो गोल्डन पीरियड, सिंपली गोल्डन पीरियड ऑफ फिशेस इज डिमोनियन पीरियड, ठीक, याद है, क्लियर है। तो ये तो कुछ टिडबिट्स थे
इक्थियोलॉजी हम किसे कहते हैं एंड इनका एवोल्यूशन किस पीरियड में हो गया है और गोल्डन पीरियड कौन सा है? दैट इज डिवोनियन पीरियड इज नोन एज गोल्डन पीरियड। तो चलिए अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हम पाइसिस की। तो पाइसिस अगर मैं यहां पर एक टिपिकल सी डायग्राम बना दू एक फिश की, तो वो पहले मैं बना दू, छोटी सी बनाएंगे हम। नाउ उतनी डायग्राम तो अच्छी नहीं बनी शायद, बट चलेगी। ठीक है, तो ये बड़े होंठों वाली एक मछली बन गई है। ठीक है, तो पाइसिस दैट मीन्स फिशेस। फिशेस में देखो क्या है, अगर हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी की बात करें, फिशेस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, चाहे वो कॉटलेजनेस हो या चाहे वो फिर बोनी फिश हो, तो दैट मीन जनरली हम पाइसिस की बात अगर करते हैं, तो ये जो एक फिश होती है, इस फिश में स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। दे आर हैविंग अ टिपिकल बॉडी, ऐसी बॉडी हमें इनमें ही देखने को मिलती है। दे आर हैविंग द दे आर लिविंग इनसाइड द वाटर्स, ये एक्वाटिक होते हैं। तो पहली बात मैं पाइसिस में कहूंगा कि दे आर एक्वाटिक, तो एक्वाटिक होते हैं ये। ठीक है, दे आर एक्वाटिक एंड दीज फिशेस, चाहे वो बोनी फिशेस हो चाहे वो कार्टिलेजस फिशेस हो, एक्वाटिक में ये या तो फ्रेश वाटर हो सकती है या मैरीन। तो दे कैन बी फ्रेश वाटर और मैरीन, ये फ्रेश वाटर भी हो सकती है और मैरीन। तो दैट मींस ये ओशंस में भी पाई जाती है एज वेल एज स्ट्रीम्स में भी पाई जाती है। स्ट्रीम्स में फ्रेश वाटर उसका वो हैबिटेट होता है, और मैरीन दैट मींस सेलाइन जो सीज होते हैं, दैट इज मैराइन मैराइन हैबिटेट। तो एक्वाटिक होती है हैबिटेट में, फ्रेश वाटर भी हो सकती है एज वेल एज मैरीन भी हो सकता है इनका हैबिटेट। तो इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी इज डार्सो वेंट्रली इनमें होती है, दैट इज डार्सो वेंट्रली फ्लैटनड बॉडी, या इसको हम स्ट्रीमलाइनड, सिंपली हम कहते हैं स्ट्रीमलाइनड बॉडी। डार्सो वेंट्रली फ्लैटनड बॉडी को छोड़ के मैं सिंपली कहता हूं इनकी पास होती है स्ट्रीमलाइनड बॉडी। अब देखो स्ट्रीमलाइनड बॉडी क्या है, जो मैंने अभी डार्सो वेंट्रली फ्लैटनेड कहा था वो मैं प्लैट हेलमिंथस में गया था। तो इनमें होती है स्ट्रीमलाइनड बॉडी। नाउ व्हाट स्ट्रीमलाइनड बॉडी इज, नाउ दिस इज द पर्टिकुलर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिशेस, इनमें प्रेजेंस ऑफ स्ट्रीमलाइनड बॉडी होती है। नाउ स्ट्रीमलाइनड बॉडी क्या होती है, दैट मींस समटाइम्स इट इज लेटरली कंप्रेस्ड भी होती है, और लेटरल कंप्रेस्ड बॉडी होती है, या स्ट्रीमलाइनड बॉडी हम सिंपली कह सकते हैं। तो स्ट्रीमलाइनड बॉडी खाली दो क्लासेस में आपको स्ट्रीमलाइनड बॉडी दिखेगी, एक तो कॉन्ड्रियोथाइसिस और ऑस्टियोथाइसिस में, दैट मींस सुपर क्लास पाइसिस में, और आपको ये स्ट्रीमलाइनड बॉडी दिखेगी इन द एम्स, जो पंछी होते हैं जो ये उड़ते हैं। तो स्ट्रीमलाइनड बॉडी मींस जो दो एंड्स होते हैं, दैट इज टेल एंड एंड हेड एंड, ये दोनों एंड्स क्या होते हैं, दे आर जस्ट कॉनिकल, ये लिटिल बिट क्या होते हैं, ये थिन होते हैं, जो बीच का जो बॉडी होती है बीच में, ये स्पाइनल शेपड होती है। तो बीच में ये थोड़े बहुत से इलॉन्गेटेड होते हैं, स्पाइनल शेपड होते हैं, बट लेटरली कंप्रेस्ड होते हैं, ऐसे फ्लाई नहीं हुए होते हैं, ये कंप्रेस्ड लेटरली कंप्रेस्ड हुए होते हैं, और ये स्ट्रीमलाइनड होते हैं। हेड पोर्शन भी क्या होता है, हेड पोर्शन भी कॉनिकल लाइक होता है और टेल पोर्शन भी कॉनिकल लाइक होता है। तो स्ट्रीमलाइनड बॉडी मीन्स द बॉडी विच इज, इसमें देखो स्ट्रीमलाइनड बॉडी में क्या क्या होता है, एक तो ये लिटरली कंप्रेस्ड होते हैं, साइड वाइज ये कंप्रेसड होते हैं, इनका पेट ऐसा नहीं निकला होता है, दे आर लिटरली कंप्रेसड, कंपैक्ट होते हैं ये ऑन द लेटरल साइड से। तो लिटरली कंप्रेसड और स्ट्रीमलाइनड बॉडी में क्या आता है, टू एंड्स जो होते हैं, दीज टू एंड्स दैट मीन्स हेड एंड टेल एंड, दे आर कॉनिकल, कॉनिकल या कून लाइक एंड्स, कॉनिकल एंड्स, इनमें एंड्स होते हैं कॉनिकल, दैट मींस हेड एज वेल एज टेल, दे आर जस्ट लाइक दे आर टैपरिंग, दे आर कून लाइक एंड्स, ये टैपर्ड हुए होते हैं, और बीच में बॉडी क्या होती है, बीच में बॉडी होती है स्पाइनल शेप्ड। ठीक है, सेंड या मिडल बॉडी इज स्पाइनल शेप्ड। तो कॉनिकल एंड्स,
लिटरली कंप्रेसिव बॉडी, तो इस बॉडी को हम स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं। नाउ दिस स्ट्रीमलाइन बॉडी ये एक एडेप्टेशन भी है इन ऑर्डर टू लिव इन द वॉटर्स, वॉटर में रहने के लिए एक एडेप्टेशन भी है। द ऑर्गेनिज्म शुड बी हैविंग स्ट्रीमलाइन बॉडी, क्योंकि स्ट्रीमलाइन बॉडी से इनको तैरने का इनको ये अच्छे से तैर पाते हैं, पानी में ये अच्छे से तैर पाते हैं। तो दिस इज द वन ऑफ द डायग्नोस्टिक कैरेक्टर ऑफ पाइसेस, दे आर हैविंग स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी में क्या होता है, साइड वाइज ये लिटरली कंप्रेस हुए होते हैं और इनके जो एंड्स होते हैं दैट इज हेड और टेल एंड होता है वो टोटली कंप्रेस्ड हुआ होता है, दैट मींस वो टैपर हुआ हो चुका है इनटू कॉनिकल लाइक प्रोजेक्शंस, वहां पर कून लाइक एंड्स होते हैं और बीच में ये स्पाइडर शेप्ड बॉडी होती है जो लिटरली कंप्रेस्ड होती है। ठीक है, अब देखो और क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है इनके, इन पाइसिस के। पाइसिस जो है दैट मीन फिशेस, फिशेस में फिन्स पाए जाते हैं, ठीक है, इनमें लिम्ब्स विम्ब्स कुछ नहीं होती है, फिन्स पाए जाते हैं फॉर लोकोमोशन, फॉर डायरेक्शन चेंज, ठीक है, दोज आर नोन एज फिन्स। तो फिन्स यहां पर एक और यहां पर एक फिन होता है, दैट फिन इज नोन एज पेक्टोरल फिन, दिस इज नोन एज फॉर एग्जाम्पल दिस इज पेक्टोरल फिन। तो यहां पर पेक्टोरल फिन्स होते हैं, दिस इज पेक्टोरल फिन, और ये पेक्टोरल फिन क्या होते हैं, दे आर टू इन नंबर, पियर्ड फिन्स इनमें होते हैं। देखो दे आर हैविंग पियर्ड फिन्स, पियर्ड फिन्स होते हैं, वाइल एज साइक्लोस्टोमेटा की बात करें तो उनमें अनपियर्ड फिन्स थे, तो इनमें पियर्ड फिन्स होते हैं। पेक्टोरल फिन्स दो होते हैं, ठीक है, यहां पर पेक्टोरल फिन है तो पेक्टोरल फिन्स दो होंगे, पियर्ड में होंगे। डॉर्सल फिन, देखो दिस इज द डॉर्सल फिन, दिस इज द फर्स्ट डॉर्सल फिन, ये डॉर्सल फिन इसका हो गया, ठीक है। नाउ हियर देयर इज पेल्विक फिन्स, और वो पेल्विक फिन्स भी क्या होते हैं, दिस पेल्विक फिन्स आर टू इन नंबर, ये पेल्विक फिन्स भी टू इन नंबर होते हैं। और यहां पर होता है एनल फिन, एनल फिन इज देयर, और ये होता है कॉडल फिन, जिसको आप टेल कहते हो, एक्चुअली दैट इज अ कॉडल फिन, टेल तो बीच में है बट दिस इज ये ऊपर जो है इसके, दिस इज अ कॉडल फिन, टेल फिन जिसको हम कहते हैं। तो फिन्स होते हैं, पियर फिन्स आर देयर, पेक्टोरल फिन, टू पेक्टोरल फिन्स, देखो टू पेक्टोरल फिन्स, या सिंपली मैं लिखूंगा अभी पेक्टोरल फिन्स होते हैं, पेल्विक फिन्स होते हैं, दिस इज द पेक्टोरल फिन, अगर मैं यहां पर इसको रिप्रेजेंट करूं पेक्टोरल फिन, ये पेल्विक फिन्स हो गए, और ये हो गया एनल फिन, और ये हो गया कॉडल फिन, ये हो गया डॉर्सल फिन, ठीक है। Now, एक पाइसिस दैट मीन फिशेस में, ये तो जनरल कैरेक्टर है फिशेस का, इनमें पियर्ड फिन्स होते हैं, और वो फिन्स कौन कौन से होते हैं, पेक्टोरल फिन्स होते हैं, पेल्विक फिन्स होते हैं, कॉडल फिन होता है, एनल फिन होता है, या डॉर्सल फिन होता है, फर्स्ट डॉर्सल फिन या दूसरा डॉर्सल फिन भी यहां पर होता है, द सेकेंड डॉर्सल फिन, ठीक है। तो दीज आर सिंपली द पियर्ड फिन्स विच आर प्रेजेंट इन द फिशेस। एक अब देखो यहां पर ये तो एक और कैरेक्टरिस्टिक हो गया, दे आर हैविंग पियर्ड फिन्स, इनमें पियर्ड फिन्स होते हैं, और हैबिटेट भी हमने इनका देखा, इनकी बॉडी भी हमने देखी, स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी होती है इनकी। नाउ यहां पर क्या होता है, यहां पर इनकी गिल्स होते हैं अंदर, इंटरनली गिल्स होते हैं और रेस्पायरेशन गिल्स यहां पर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गिल, बट इंटरनली हमें देखने को नहीं मिलता है, गिल्स आर नॉट विजिबल टू नेकेड आईज, गिल्स हमें हम दूर से ही गिल्स नहीं देख सकते हैं, किसके, दिस फिशेस के, चाहे वो कॉन्ड्रियोफाइसिस हो, ऑस्टियोफाइसिस हो, बोनी फिश हो या कार्टिलेजस फिश हो, हम उसकी गिल्स देख नहीं सकते हैं, बिकॉज गिल्स आर इंटरनली प्लेस्ड, वो इंटरनल साइड पर होते हैं, व्हाइल वी कैन सी गिल स्लिट, ऐसे ऐसे छेद होते हैं यहाँ पर गिल स्लिट्स, तो गिल स्लिट्स जो, दीज आर गिल स्लिट्स, अब गिल स्लिट्स विजिबल किसमें होते हैं, किसमें विजिबल नहीं होते हैं, वो अलग की बात है, वो मैं आपको बोलूंगा जब हम क्लासेस पढ़ेंगे। तो ये गिल स्लिट्स होते हैं, दीज आर गिल स्लिट्स, जहां से पानी बाहर निकलता है, आफ्टर
गिल्स जब एब्जॉर्ब करते हैं उस पानी से, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद जो पानी गिल्स से निकलता है वो गिल सिलिट्स के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है। और ये गिल सिलिट्स, इस पर एक कवर होता है, दैट इज नोन एज ऑपरक्यूलम। वो प्रेजेंट, वो किसी फिश में प्रेजेंट हो सकता है, किसी में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल बोनी फिशेज में ऑपरक्यूलम प्रेजेंट होता है, वाइल एज कॉन्ड्रियोथाइसिस कार्टिलेजनस फिशेज में ये जो गिल्स है, गिल के ऊपर कोई कवर नहीं होता, ठीक है। तो गिल्स आर हैविंग, ये यहां पर लिखूंगा मैं, प्रेजेंस ऑफ गिल सिलिट्स, इनमें प्रेजेंस ऑफ गिल सिलिट्स, गिल सिलिट्स भी होते हैं, ठीक। और गिल्स तो रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होते हैं। अब ये तो दीज वर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स किसके थे, दीज आर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशेस। ये सिंपली कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे फिशेस के। अब देखो, अब हम यहां पर आगे चलेंगे, तो जो हम इसमें पाइसिस में हम दो क्लासेस पढ़ेंगे, दैट इज बेस्ड अपॉन द एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन यहां पर मैं एक बोलूंगा। देखो, इन फिशेस में एंडोस्केलेटन भी प्रेजेंट होता है एज वेल एज एक्सोस्केलेटन भी प्रेजेंट होता है। तो स्केलेटल सिस्टम इनमें प्रेजेंट है, एंडोस्केलेटन एज वेल एज एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्केलेटन, चाहे वो क्या वो एंडोस्केलेटन कार्टिलेजियस है, चाहे क्या वो एंडोस्केलेटन क्या है, बोनी है, उस पर इसके दो क्लासेस हो गए पाइसिस के। तो प्रेजेंस ऑफ एंडोस, प्रेजेंस ऑफ स्केलेटन, प्रेजेंस ऑफ स्केलेटन, और स्केलेटन जो इनमें होता है, स्केलेटन में भी बोनी और स्केलेटन में भी कार्टिलेजियस, दो तरह का स्केलेटन सिस्टम इनमें हो सकता है, या तो बोनी हो सकता है या कार्टिलेजनस हो सकता है, ठीक है। तो यही बात अब हम आगे ले जाएंगे, बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ, बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन तो इनमें प्रेजेंट होता है, अब किस किस्म का स्केलेटन होता है, बोनी है या कार्टिलेजनस है। नाउ दिस पाइसिस इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, ये सुपर क्लास पाइसिस जो है, इट इज डिवाइडेड इंटू टू क्लासेस। तो पाइसिस दो क्लासेस में डिवाइड हो गया है, वन इज कॉन्ड्रियोथाइसिस एंड ऑस्टियोथाइसिस, कॉन्ड्रियोथाइसिस एंड ऑस्टियोथाइसिस। तो ये फिशेस दो किस्म की हो गई बेस्ड अपॉन द स्केलेटन, टाइप ऑफ स्केलेटन कौन है इसमें। तो कॉन्ड्रियोथाइसिस ये वो फिशेस है विच आर हैविंग कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, फिशेस हैविंग कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, जिन फिशेस में कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन हो, एंडोस्केलेटन। तो इनमें कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन होता है, वाइल एज ऑस्टियोथाइसिस, दैट मींस दीज आर नोन एज बोनी फिशेस, इनमें बोनी एंडोस्केलेटन होता है, प्रेजेंस ऑफ बोनी एंडोस्केलेटन, ठीक। याद है, क्लियर है। तो ऑस्टियोथाइसिस आर बोनी फिशेस बिकॉज दे आर हैविंग बोनी एंडोस्केलेटन, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज बोनी फिशेस, इनको हम बोनी फिशेस कहते हैं। While as these are known as cartilaginous fishes, इनको हम cartilaginous fishes कहते हैं। तो bony and cartilaginous fishes होगी। अब हम चलते हैं towards the chondrothysis, that means class chondrothysis पर हम चलेंगे और इनके कुछ characteristics हम देखेंगे in detail। तो चलिए जी, चलते हैं हम chondrothysis, cartilaginous fishes, cartilaginous fishes, chondrothysis, the class chondrothysis, class chondrothysis, उसमें कौन आती है, chondrothysis में, chondrothysis, class chondrothysis में कौन आती है, chondrothysis में cartilaginous fishes आती है। तो चलिए जी, example लेते हैं cartilaginous fishes की। तो यहां पर एक example है cartilaginous fishes की, that is white shark, या वेल शार्क जिसको हम कहते हैं। सिंपली हम शार्क को लेंगे,
नाउ दिस इज अ शार्क और ये इसका कॉडल फिन हो गया। दिस द कॉडल फिन जिसको हम टेल फिन भी कह रहे हैं। ठीक है, और यहां पर हम इसकी आंख रख देते हैं। अब बनी तो नहीं है उतनी खतरनाक जितनी ये है, बट समहाउ कोशिश हमने की है। बहुत ही खतरनाक होती है। इसको ऐसे थोड़ा सा कर, हो। अब देखो, दिस इज अ शार्क। ये शार्क है, इसका लॉन्ग स्नाउट होता है और ये इसके जाज है। और जाज में क्या है, इट इज हैविंग टीथ्स, तो जाज पर इसके टीथ्स है ऐसे ऐसे। तो ये टीथ्स हो गए इसके और ये इसका कॉडल फिन हो गया और ये इसका हो गया डॉर्सल फिन। दिस इज द डॉर्सल फिन। फिर यहां पर पेक्टोरल फिन होता है और यहां पर ऐसे होते हैं गिल स्लिट्स। ये तो इसकी आंख है, ठीक है, और पेल्विक फिन्स यहां पर होते हैं। नाउ दीज आर द पेल्विक फिन्स। और पेक्टोरल फिन यहां पर होते हैं। पेक्टोरल फिन, ठीक। तो कार्टिलेजियस फिशेज जो है, दे आर लार्ज फिशेज, जो बड़ी बड़ी फिशेज होती है, जो बड़ी बड़ी फिशेज होती है, दोज फिशेज आर कार्टिलेजियस फिशेज, ठीक है। और कार्टिलेजियस फिशेज जो है इनका, देखो कार्टिलेजियस फिशेज में एंडोस्केल्टन क्या है इनका, एंडोस्केल्टन इज कार्टिलेजियस। एंडोस्केल्टन इनका क्या होता है, कार्टिलेजियस, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजियस। तो कार्टिलेजियस एंडोस्केल्टन इनका होता है, दे आर लार्ज और ये दे आर मैरीन। और ये क्या होती है, दे आर मैरीन इनहैबिटेंट, क्योंकि ये स्ट्रीम्स में नहीं पाई जाती है। दे आर लार्ज क्रिएचर्स, कार्टिलेजियस फिशेस आर वेरी लार्ज। शार्क है तो शार्क बहुत बड़ी होती है, तो दैट इज व्हाई देयर हैबिटेट इज मैरीन, मैरीन इनहैबिटेट। तो कार्टिलेजियस फिशेज जो होती है उनका हैबिटेट क्या होता है, दे आर मैरीन। तो एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजियस, इनका इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेजियस होता है। प्रेजेंस ऑफ पियर्ड फिन्स, इनमें भी पियर्ड फिन्स होती है, पियर्ड फिन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। पियर्ड फिन्स इसमें होते हैं, पेल्विक फिन्स, पेक्टोरल फिन्स, डोर्सल फिन एंड कॉडल फिन्स, ठीक है, ये होता है। और इसमें देखो क्या है, इसमें विजिबल होते हैं, गिल स्लिट्स आर विजिबल। दूर से ही आपको, अगर एक आप गूगल पर सर्च करोगे शार्क की कोई इमेज आप देखोगे, तो वहां पर आपको दिखाया, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इसकी जो बॉडी होती है, बॉडी की यहां पर गिल स्लिट्स होते हैं ऐसे ऐसे, जैसे किसी ने इसको काटा होगा, ऐसे ऐसे छेद इसमें कट्स लगे हुए होते हैं, दोस कट्स आर नोन एज द गिल स्लिट्स। तो इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स। तो इसमें गिल स्लिट्स होते हैं, तो यहां पर ये गिल स्लिट्स है, दीज आर गिल स्लिट्स। तो गिल स्लिट्स,
दैट मीन्स 1 to 5 गिल्स ये होते हैं यहाँ पर, ये सिलेट्स लाइक होते हैं, तो दीज आर गिल सिलेट्स, ये गिल्स नहीं है, दीज आर गिल सिलेट्स, तो ये गिल सिलेट्स होते हैं जहां से पानी बाहर निकलता है। तो गिल्स जो होते हैं इनके गिल्स अंदर होते हैं, गिल्स इंटरनली प्लेस्ड होते हैं, और बट ये जो गिल सिलेट्स है वो विजिबल होते हैं थ्रू द नेकेड आईज, वी कैन सी दीज गिल सिलेट्स जहां से पानी आ जाता है। तो इसमें गिल सिलेट्स होते हैं, ईयर फिन्स, गिल सिलेट्स आर विजिबल। गिल सिलेट्स में क्या होते हैं, दे आर विजिबल। गिल सिलेट्स क्या होते हैं, इसमें विजिबल होते हैं, या इनको हम गिल क्लेप्टस भी कहते हैं। तो गिल क्लेप्टस होते हैं 1 to 5, दीज गिल सिलेट्स और गिल क्लेप्टस जो होते हैं, गिल सिलेट्स आपका हो या गिल क्लेप्टस, तो ये होते हैं 1 to 5, 1 से लेकर 5 तक गिल क्लेप्टस होते हैं इसमें, जहां से पानी बाहर निकलता है। आफ्टर आफ्टर जब गिल देखो जब गिल पानी आ गया, तो पानी आ गया इनके यहां से, जब पानी आ गया तो वो कहाँ जाएगा, इंटरनली वो गिल्स पर जाएगा। तो गिल्स क्या करते हैं, गिल्स उस पानी से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद जो पानी वहां से निकल जाता है वो थ्रू द गिल सिलेट्स बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये तो यहां तक हो गया। मैरीन हैबिटेट है, एंडोस्केलेटन कार्टिलेजियस है इनका, पेयर्ड फिन्स होते हैं इनमें, गिल सिलेट्स प्रेजेंट होते हैं, और वो कितने होते हैं 1 to 5, गिल सिलेट्स आर 1 to 5 इन नंबर। तो डॉर्सल फिन भी होता है, पेक्टोरल फिन भी होते हैं, पेल्विक फिन्स भी होते हैं। और यहां पर मैं आपको बताता चलूं, देखो इनके जो पेल्विक फिन्स होते हैं, पेल्विक फिन्स जो इस शार्क में, मैं शार्क की बात करूं या कार्डियोथाइसिस की बात करूं, ये पेल्विक फिन्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, या इनके दरमियान एक और स्ट्रक्चर हो जाता है, दैट इज नोन एज मेल कैलिपर्स। मेल्स में, ओनली मेल्स में, ओनली मेल्स में क्या होता है, मेल्स में ये पेल्विक फिनिस के दरमियान एक ऐसा पीने लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, पेंस लाइक स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज नोन एज मेल कैलिपर्स। तो प्रेजेंस ऑफ मेल कैलिपर्स होते हैं बिटवीन द पेल्विक फिन्स, ओनली इन मेल्स कैलिपर्स प्रेजेंट होते हैं बिटवीन बिटवीन पेल्विक फिन्स। तो पेल्विक फिन्स के दरमियान एक पेनस लाइक स्ट्रक्चर होता है मेल्स में, तो दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज कैलस्पर। और ये कैलस्पर किसके काम आता है, कैलस्पर इज फॉर रिप्रोडक्शन पर्पस, फर्टिलाइजेशन के काम आता है ये, विद द हेल्प ऑफ कैलस्पर ये स्पर्म्स को इंजेक्ट करता है इनटू द कॉलिकल अपर्चर ऑफ द फीमेल। ठीक है, तो कैलस्पर्स किसके लिए होते हैं, अब याद रखिएगा, मेल के पास कैलस्पर्स होते हैं, और कैलस्पर्स यूज्ड फॉर फर्टिलाइजेशन आर सिंपली रिप्रोडक्शन पर्पस के लिए कैलस्पर्स यूज हो जाते हैं। अब देखो एक और कैरेक्टरिस्टिक मैं यहां पर बता दूं कॉन्ड्रियोथाइसिस का, कॉन्ड्रियोथाइसिस में क्या होते हैं, इनमें देखो इनमें स्केल्स प्रेजेंट होती है, क्या होती है स्केल्स होते हैं, जैसे कि आपने आर्थ्रोपोडा में देखा कि उनमें काइटिनस पलेट्स होती है, तो काइटिनस पलेट्स जो उनमें होती है, जो काइटिन का वो जो बाहर कोट होता है वो उनका एक्सोस्केलेटन कहलाता है। इसी तरीके से इन फिशेस में भी, चाहे कॉन्ड्रियोथाइसिस हो या ऑस्टियोबोनी फिशेस हो, तो इनमें भी एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन बट इन द फॉर्म ऑफ स्केल्स। ठीक है, तो एंडोस्केलेटन हमने देखा, इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेजस होता है, बट इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, तो एक्सोस्केलेटन दैट मींस बाहर जो लाइनिंग होती है, स्किन पर जो लाइनिंग होती है, कवर हुआ होता है, वो किसका कवर होता है, स्केल्स का। तो इनमें जो स्केल्स पाई जाती है कॉन्ड्रियोथाइसिस में, कार्टिलेजस फिशेस में, वो ऐसी स्केल्स होती है, दे आर जस्ट लाइक एज त्रिशूल शेपर्ड स्केल पाई जाती है इनमें, जिसको हम पैलोकॉइड स्केल कहते हैं। तो ये हमें, अगर हम शार्क की बॉडी देखें तो हमें कोई भी स्केल ऐसे नजर नहीं आएगी, तो हमें हमें लगता है कि इसकी बॉडी क्या है, स्मूथ है। बट अगर हम विद द माइक्रोस्कोप हम अगर उसको देखें, तो वहां पर एक ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा विच आर प्लेस्ड वन ओवर द अदर, दीज आर नोन एज पैलाकॉइड स्केल्स। तो पैलाकॉइड स्केल्स किन में प्रेजेंट होती है, पैलाकॉइड स्केल्स होती है कार्टिलेजस फिशेस में, पैलाकॉइड स्केल्स। तो पैलाकॉइड स्केल्स आर प्रेजेंट,
स्केल्स आर पैराकॉइड इन नेचर, दे आर पैराकॉइड स्केल्स। और ये स्केल्स कहां से बनती है? देखो ये स्केल्स एक्चुअली जो ये स्केल्स है, ये स्केल्स एक बनी होती है दैट टीथ फॉर्मिंग सबस्टेंस, जिसको हम टीथ फॉर्मिंग ओडोन्टोब्लास्टस, ओडोन्टोब्लास्टस, ओडोन्टोब्लास्ट सेल्स ये बनाती है पैराकॉइड स्केल्स। ये एक टीथ लाइक सबस्टेंस का बना होता है ये स्केल्स, ठीक है। तो इस पैराकॉइड स्केल पर क्या लगा होता है? इनामा, दे आर लाइनड बाय इनामा, ठीक है। इन पर एक कोटिंग होती है, इनामल की कोटिंग। तो ओडोन्टोब्लास्ट सेल्स से ये बनती है स्किन, स्किन सेक्रेट करता है इनामल, डेंटाइन, दैट मींस टीथ फॉर्मिंग लाइक सबस्टेंस। तो स्किन, देखो डर्मिस, स्किन से क्या होता है, स्किन सेल्स सेक्रेट क्या करती है, दे विल सेक्रेट डेंटाइन, डेंटाइन दैट मींस टीथ फॉर्मिंग सबस्टेंस, एंड दे विल सेक्रेट इनामल, इनामल जो स्ट्रॉन्गेस्ट सबस्टेंस होती है टीथ में, जो कवर होता है। तो उसी से क्या बन जाता है, उसी से पैराकॉइड स्केल्स बन जाती है, ठीक है। तो दैट मींस पैराकॉइड स्केल्स का ऑरिजिन कहां से है, दे आर डर्मल इन ऑरिजिन, दे आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम स्किन। तो डर्मल इन ऑरिजिन, डर्मल मींस ऑरिजिनेटेड फ्रॉम स्किन, डर्मल इन ऑरिजिन। तो दे आर डर्मल इन ऑरिजिन, पैराकॉइड स्केल्स होती है, दे आर डर्मल इन ऑरिजिन, और उनकी शेप ऐसे होती है, और ये स्किन से बनती है। स्किन क्या करता है, डेंटाइन फॉर्मिंग सबस्टेंस या इनामल वो सेक्रेट करता है, जिससे पैराकॉइड स्केल्स बन जाती है। And these paracoid scales, they act as the exoskeleton. ये act क्या करती है? As exoskeleton in fishes. ठीक है? They act as the exoskeleton in fishes. अब देखो यहां पर तो गंध मच गई है, अब यहां पर ये तो मैं ये तो रब कर देता हूं मैं। अब देखो तो paracoid scales भी हो गई, इनके पास पैराकॉइड स्केल्स होती है। वाइज अगर हम बोनी फिशेस की बात करें तो बोनी फिशेस में इस तरीके से स्केल्स होते हैं, सर्कुलर साइकिल टाइप, सर्कुलर टाइप ऑफ स्केल्स, ठीक है, दोज आर नोन एज साइक्लॉइड स्केल्स। तो बोनी फिशेस में कौन सी स्केल्स होती है, साइक्लॉइड स्केल्स आर प्रेजेंट इन बोनी फिशेस, बोनी फिशेस। और उनका मेसोडर्मल ऑरिजिन भी होता है, जिसमें टेनॉइड आते हैं, रोम्बॉइड आते हैं, बहुत सारी टाइप्स ऑफ स्केल्स होती है, टिनॉइड, साइक्लॉइड जो है, दीज आर प्रेजेंट इन, किसमें ये प्रेजेंट होती है, दीज आर साइक्लॉइड स्केल्स आर प्रेजेंट इन बोनी फिशेस। व्हाइल एज हमने कार्टिलेजियस फिशेस में कौन सी टाइप ऑफ स्केल्स देखी, पैराकॉइड स्केल्स देखी, ठीक है। तो पैराकॉइड स्केल्स बनाती है इनका एक्सोस्केलेटन कार्टिलेजियस फिशेस का। कार्टिलेजियस फिशेस में देखो इनको तैरना पड़ता है, हाँ पानी में इनको तैरना पड़ता है, तो स्ट्रीमलाइन बॉडी तो इनकी होती है। अब देखो यहां पर एक चीज मैं यहां पर बोलता हूं, जो इनका माउथ होता है, माउथ इज ऑलवेज वेंट्रल। देखो माउथ फिशेस में माउथ दो जगह हो सकता है, या तो माउथ फिशेस में प्रेजेंट होता है एट द टर्मिनल पोजीशन, एट द एंड। फॉर एग्जांपल माउथ अगर यहां पर प्रेजेंट होगा, जस्ट लाइक दिस, जो मैंने पहली डायग्राम बनाई थी फिशेस की, जब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे, तो एक फिश बनाई थी मैंने जस्ट लाइक दिस। तो इस फिश में माउथ क्या था, माउथ वॉज टर्मिनल, इस फिश में माउथ क्या था, दैट वाज टर्मिनल एट द एंड। बट ये जो मैंने अभी कार्टिलेजियस फिश बनाई है, दिस इज शार्क, हां शार्क में माउथ क्या है, इट इज जस्ट लाइक माउथ यहां पर है कहीं, माउथ यहां पर है, हियर इज माउथ। तो दैट मींस माउथ इज वेंट्रल, वो नीचे की साइड है, माउथ नीचे की साइड है। तो कार्टिलेजियस फिशेस में माउथ इज ऑलवेज वेंट्रल। तो द ओनली थिंग You can identify a cartilaginous fish. अगर आपको माउथ से पता लगाना हो तो आप माउथ से भी पता लगा सकते हैं कि whether it's a cartilaginous fish or whether it's a bony fish, because cartilaginous fishes में माउथ इज ऑलवेज वेंट्रल। तो माउथ क्या होता है, वेंट्रल, माउथ इज वेंट्रल, that means it is present on the ventral side. माउथ इज वेंट्रल इन पोजिशन, तो वेंट्रल इन पोजिशन होता है माउथ इनका, ठीक है, माउथ इज वेंट्रल इन पोजिशन। While as bony fishes में mouth क्या है? Mouth is terminal in bony fishes. While as in cartilaginous fishes, mouth is ventral in position. अब देखो यहां पर, अब इनमें absence होती है किसकी? देखो एक fishes में एक चीज होती है, इनको buoyancy चाहिए होती है। Buoyancy means the ability to float on water. तो क्योंकि ये पानी में रहती है, तो ये float भी कर जाती है किसमें, पानी में। तो उसके लिए एक फिशेस में एक स्ट्रक्चर आ जाता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है, दैट इज नोन एज एयर ब्लेडर।
बट इन कार्टिलेजनस स्पीशीज में वो एयर ब्लेडर नहीं होता है, नो एयर ब्लेडर, नो एयर ब्लेडर, तो इनमें एयर ब्लेडर नहीं होता है। एयर ब्लेडर क्या करता है, देखो दिस इज जस्ट लाइक एज एयर ब्लेडर, दिस इज एयर ब्लेडर, ये एयर ब्लेडर है, इसमें एयर जमा रहता है जिससे बयोन्सी आ जाती है किन में, फिशेज में, एंड द एबिलिटी टू फ्लोट इन वाटर। बट कार्टिलेजनस स्पीशीज में ये एयर ब्लेडर प्रेजेंट नहीं होता, तो इसीलिए दे आर कंटिन्यूअसली इन मोशन, दैट इज व्हाई दे ऑलवेज आर इन मोशन, क्योंकि अगर ये मोशन को स्टॉप करेंगे, इनमें एयर ब्लेडर है ही नहीं, दैट मीन्स दे डोंट हैव एबिलिटी टू फ्लोट ओवर वाटर, ये फ्लोट तो नहीं कर सकती, ये फ्लोट नहीं कर सकती है क्योंकि एयर ब्लेडर इनमें नहीं है, दैट इज व्हाई दे आर कंटिन्यूअसली इन मोशन, इसीलिए ये हमेशा क्या होती है, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, क्योंकि जब ये मूवमेंट स्टॉप करेंगी दे विल सिंक लाइक द स्टोन, जैसे कि एक पत्थर हम फेंकते हैं पानी में वो पत्थर सीधे बॉटम पर चला जाता है, तो जस्ट लाइक एट दिस, क्योंकि इनमें भी एयर ब्लेडर प्रेजेंट नहीं है, तो अगर ये स्टॉप अपनी मूवमेंट करेंगी तो दे विल सिंक, ये डूब जाएंगे जस्ट लाइक एज स्टोन, हाँ ठीक है, तो नो एयर ब्लेडर, दैट इज व्हाई दे कंटिन्यूअसली स्विम, इसीलिए ये क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली स्विम, कंटिन्यूअसली स्विम ये करते हैं। आप देखो क्यों करते हैं ये कंटिन्यूअसली स्विम, बिकॉज दे आर हैविंग नो एयर ब्लेडर जो इनको बायोन्सी एबिलिटी टू फ्लोट ऑन वाटर देता, बट इसीलिए इनके पास जो है ही नहीं, तो तब जाके इनको क्या करना है, दे नीड टू कंटिन्यूअसली स्विम, ठीक है, अदरवाइज इफ दे स्टॉप दे विल सिंक लाइक स्टोन, दे विल सिंक लाइक स्टोन, दे विल सिंक, वो डूब जाएंगी जस्ट लाइक ए स्टोन, लाइक एज स्टोन। आपको ये वाला कॉर्नर नजर आता है, यस yes, थोड़ा सा आ जाता है, दे विल सिंक लाइक एज स्टोन टुवर्ड्स द बॉटम, ठीक है। अब देखो इनमें बयोन्सी फिर कहां से, थोड़ी बहुत इनमें जो होता है लिटिल बिट टाइप ऑफ बयोन्सी इनमें कहां से आती है, वो लिवर से आ जाती है, ठीक है, लिवर इज फिल्ड विद गैसेस, इनका लिवर जो होता है दैट इज फिल्ड विद गैसेस, तो जब ये स्विम करती है ज्यूरिंग स्विमिंग इनको बायोन्सी फिर कौन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इनके पास एयर ब्लेडर नहीं होता है, इनके पास लिवर जो होता है, लिवर इज फिल्ड विद ऑयल, लिवर इज फिल्ड विद ऑयल, लिवर इज फिल्ड विद ऑयल, और ज्यूरिंग द स्विमिंग वो ऑयल जो है वही इनको प्रोवाइड करता है बायोन्सी ज्यूरिंग स्विमिंग, तो बायोन्सी ज्यूरिंग स्विमिंग इन द कार्टिलेजेस इज प्रोवाइड बाय द ऑयल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द लिवर, लिवर के अंदर तेल होता है, ऑयल होता है, वही ऑयल इनको ज्यूरिंग द स्विमिंग प्रोवाइड करता है बायोन्सी, ठीक है, वरना इनके पास कोई एयर ब्लेडर नहीं होता है, इसलिए इनको कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है, अदरवाइज दे विल स्विम लाइक द स्टोन। और इनके पास जो ये दांत है, आप इनके जाल देख रहे हो, और इन जाल पर क्या है, ये दीज टीथस, टीथस होते हैं, बट दीज टीथस आर एक्चुअली दे आर मॉडिफाइड पैलाकॉइड स्केल्स, ये टीथस क्या होते हैं, मॉडिफाइड पैलाकॉइड स्केल्स, दीज आर मॉडिफाइड पैलाकॉइड स्केल्स, ये मॉडिफाइड पैलाकॉइड स्केल्स ही होते हैं, दे आर एक्चुअली द पैलाकॉइड स्केल्स, बट दे आर मॉडिफाइड इनटू कून लाइक स्ट्रक्चर्स, इनमें कून लाइक ये हो गया है, टीथ लाइक फॉर्मेशन इनकी हो गई है, तो दे आर बेसिकली मॉडिफाइड पैलाकॉइड स्केल्स, और ये जो टीथस होते हैं दे आर एक्रोडॉन्ट्स, दे आर बेसिकली एक्रोडॉन्ट्स, ये जो फिशेस होती है दे आर एक्रोडॉन्ट्स, इनके जार्स, इनके जार्स में फिक्स नहीं होते हैं, इनके जार्स पर डायरेक्टली क्या होते हैं, दीज पैलाकॉइड स्केल्स, हाँ ये मॉडिफाइड जार्स मॉडिफाई हो गए इनटू दीज टीथ्स, तो एक्रोडॉन्ट्स होते हैं, तो टीथस क्या होते हैं, मॉडिफाइड पैलाकॉइड स्केल्स में होते हैं। और देखो अब ये तो ये हो गया इनका, एंड दीज आर यूरोटेलिक, ये क्या होती है, यूरोटेलिक, दे आर यूरोटेलिक इन एक्सक्रीशन, यूरोटेलिक इन एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीट यूरिया करती है, दे एक्सक्रीट यूरिया, तो जब भी हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो जब हम उसमें एक्सक्रीशन पढ़ते हैं तो हम वहां पर पढ़ते हैं अमोनोटेलिक्स, यूरोटेलिक्स एंड यूरिकोटेलिक्स, हम कहते हैं कि जो अमोनोटेलिक्स होते हैं मोस्ट ऑफ जो भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है उनके पास बहुत सारा पानी अवेलेबल होता है, तो इसीलिए वो अमोनिया को डायरेक्टली इलिमिनेट करते हैं फ्रॉम द बॉडी, और उन ऑर्गेनिज्म को हम अमोनोटेलिक्स कहते हैं,
लेकिन उसमें मैंने उसमें एक एक्सेप्शन आ जाता है कार्टिलेजियस स्पीशीज का। जो कार्टिलेजियस स्पीशीज है ये पानी में रह के भी यूरिया को एक्सक्रीट करती है, वरना इनको एक्सक्रीट करना था अमोनिया, बट ये डायरेक्टली ये क्या करती है, ये यूरिया को एक्सक्रीट करती है, इसीलिए इनका एक्सेप्शन वहां पर आ जाता है कि ये अमोनोटेलिक नहीं है, दे आर यूरोटेलिक इन एक्सक्रीशन। ठीक है, तो कॉन्ड्रियोथाइसिस आर यूरोटेलिक इन एक्सक्रीशन और ये यूरिया को एक्सक्रीट करती है। तो इनमें भी मेसोनेफ्रिक किडनीज होती है, किडनीज आर देयर। अब एक और कैरेक्टरिस्टिक मैं लेता हूं कार्टिलेजियस फिशेस का। कार्टिलेजियस फिशेस जो है इनमें देखो क्या है, कार्टिलेजियस फिशेस दे आर पिक्लोथर्मिक्स, जैसे कि जनरली फिशेस पिक्लो थर्मिक, ये पिक्लोथर्मिक होते हैं। अब पिक्लोथर्मिक क्या हो गए, कार्टिलेजियस फिशेस क्या होती है, पिक्लोथर्मिक। पिक्लोथर्मिक मीन्स पिक्लोथर्मिक वो वाले ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज करते हैं विद द चेंजिंग सराउंडिंग्स, चेंज दियर बॉडी टेम्परेचर, ये चेंज अपना बॉडी टेम्परेचर करते हैं विद चेंजिंग सराउंडिंग, विद चेंजिंग सराउंडिंग टेम्परेचर, जो जो है सराउंडिंग टेम्परेचर होगा विद द चेंज इन द सराउंडिंग्स दे चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर ये किसी हॉट वाटर्स में जाएंगी तो इनका टेम्परेचर वही अकॉर्डिंगली उसी एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, जैसे कि हम है ह्यूमंस है, ह्यूमंस में एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिस पर बॉडी नॉर्मलाइज होती है, दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हम हमेशा मेंटेन उसको करते हैं, चाहे बाहर कितनी सर्दी हो चाहे बाहर कितनी गर्मी हो, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। तो हम हमें कहा जाता है होम्योथर्म्स। ठीक है, वी आर नोन एज होम्योथर्म्स और वार्म ब्लडेड एनिमल्स। जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर होमोथर्म्स आर दोज व्हिच मेंटेन, हम मेंटेन करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को विद द चेंजिंग सराउंडिंग्स। ठीक है, बट पिक्लोथर्म्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर विद द चेंजिंग सराउंडिंग्स। ठीक है, और इसलिए हम इनको कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो दीज आर नोन एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो ये कॉन्ड्रियोथाइसिस पिक्लोथर्म्स है, दैट मींस दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, दे कैन चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर विद अ चेंजिंग एनवायरमेंट और विद अ चेंजिंग सराउंडिंग्स। अब यहां पर आप देखोगे, देखो अब ये जो कॉन्ड्रियोथाइसिस है, कॉन्ड्रियोथाइसिस में अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होती है, क्योंकि ये जो मेल मेल्स होते हैं, देखो पहले मैं कहूंगा इनमें सेक्सेस क्या होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, इनमें मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है, मेल शार्क एंड फीमेल शार्क, ठीक है वो अलग होते हैं, तो सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं। और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइज फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है इनमें, दैट मींस द स्पर्म जो मेल होता है वो स्पर्म को इंजेक्ट करता है इनटू द कॉलिकल अपर्चर। अभी मैं वो बोलूंगा कॉलिकल अपर्चर क्या होता है, कॉलिकल अपर्चर ऑफ द फीमेल, दैट मींस सिंपली इनटू द एनस ऑफ द फीमेल, जहां पर फर्टिलाइजेशन फिर अंदर जाके हो जाती है। तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल है इनकी, और इनमें देखो दे में भी ओविपैरस, ये एग्स भी ले कर सकते हैं, दे में भी विविपैरस, ये डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म्स को ही बर्थ कर सकते हैं, और दे में भी ओवा विविपैरस, ये पहले एग जैसे फर्टिलाइजेशन हो गई, अब ये फर्टिलाइजेशन फॉर एग्जांपल देखो यार ये ओविपैरस हो सकते हैं, ओविपैरस मींस एग लेइंग भी हो सकते हैं, दे में भी विविपैरस, विविपैरस मींस यंग लेइंग, यंग वंस लेइंग, यंग लेइंग, ठीक है, और दे में भी ओवी विविपैरस, ओवी विविपैरस किसको हम कहते हैं, ओवी विविपैरस, ओवी विविपैरस वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पहले क्या करते हैं, जो फर्टिलाइजेशन हो गई एग भी बन गया, बट ये एग अभी क्या रह जाएगा, देखो एक्चुअली शार्क्स में क्या होता है, दे आर ओवी विविपैरस, ये जो ही फर्टिलाइजेशन हो गई एग बन गया, दैट मीन जाइगोट बन गया, अब ये एग जो है ये एग अभी ओविडक्ट में ही रहेगा, इट विल रिमेन इन ओविडक्ट। एग क्या रहता है, एग हैचेस कहाँ, एग हैच कहाँ पर होता है, इन ओविडक्ट, तो एग बन गया और कहाँ पर रहा, ये ओविडक्ट में, ये ओविडक्ट में ही हैच हो जाता है। जब ये हैच हो जाएगा इसके बाद एम्ब्रियो बन जाएगा,
क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो भी हैच कहां पर हो जाएगा फिर? एम्ब्रियो यूटरस में। एम्ब्रियो विल हैच इन यूटरस। तो जब एम्ब्रियो हैच हो जाता है यूटरस में, तो वहां क्या निकलता है फिर? ऑफस्प्रिंग निकलता है। तो पहले देखो फर्टिलाइजेशन हो गई, एग बन गया, ठीक है। तो ये एग, इसको एग ले कर रहा था, बट ये एग ले नहीं करती है, ये एग और ये उस एग को, क्योंकि ये अगर एग फॉर एग्जाम्पल दिस शार्क, ये कहती है कि अगर मैं इस एग को बाहर निकाल दूं तो वहां पर प्रीडेटर्स हैं, वो मेरे एग को खा जाएंगे। सो ये अपने एग को वहीं पर रखती है, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्पर्म के साथ वो एग मिल गया होता था, दैट मींस अब वो अंदर एक टाइप ऑफ जायगोट बन गया होता है, ठीक है। तो वो उसको अंदर ही रखती है और ओविडक्ट में ही रखती है उस एग को। वो एग क्या हो जाता है? वो हैच हो जाता है। तो उसके बाद जब वो हैच हो गया, तो उसके बाद वो आफ्टर हैचिंग वो एम्ब्रियो बन जाता है, और वो एम्ब्रियो कहाँ चला जाता है? यूट्रस में चला जाता है। यूट्रस में वो ऑफस्प्रिंग बन जाता है, और उसके बाद ये ऑफस्प्रिंग को क्या करती है? ये डिलीवर करती है। तो दैट मीन्स इसमें एग भी बनता है और ये डिलीवरी के टाइम ये यंग वन देती है, दैट मीन्स ओविविवैरस, ठीक है। तो जो कॉन्ड्रियोथाइसिस है वो ओविपैरस भी हो सकते हैं, एग लेइंग भी हो सकते हैं, विविपैरस भी हो सकते हैं, दैट मींस यंग वन लेइंग भी हो सकते हैं, और ओवी विविपैरस, या तो वो पहले एग उसके बाद ये तो ओविपैरस भी हो सकते हैं, ये विविपैरस भी हो सकते हैं। देखो ओविविपैरस भी हो सकते हैं, मोस्टली ये ओविपैरस और ओविविपैरस हो सकते हैं, बट अगर मैं विविपैरस की बात करूं जो डायरेक्टली यंग वंस देते हैं, तो डायरेक्टली जो यंग वन देता है वो है जाइगिनिया। जाइगिनिया, जाइगिनिया इज डायरेक्टली विविपैरस, विविपैरस। तो ये भी एक कार्टिलेजियस फिश है जाइगिनिया। तो ये डायरेक्टली क्या करती है? इट इज देखो इनमें एक सेंसरी ऑर्गन नहीं, इनमें एक ऑर्गन होता है फॉर थर्मोकीमोरिसेप्शन, दैट मीन्स जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। यहां पर स्नॉट पर होता है, दिस इज स्नॉट, यहां पर स्नॉट है, और इन शार्क्स में स्नॉट पर एक एक ऑर्गन होता है, दैट ऑर्गन डिटेक्ट्स द टेम्परेचर चेंज। वो ऑर्गन डिटेक्ट करता है टेम्परेचर की चेंज को, एंड दैट ऑर्गन इज नोन एज एम्पुले ऑफ लोरेंजी, एम्पुले ऑफ लोरेंजी। कहां पर होता है? इट इज प्रेजेंट एट द हेड, स्नॉट पर होता है, और इससे क्या होता है? दे डिटेक्ट, इट इज अ कीमो थर्मोरिसेप्टर, इट इज कीमो थर्मोरिसेप्टर, या थर्मोकीमोरिसेप्टर आप कुछ भी लिख सकते हो, थर्मोकीमोरिसेप्टर या कीमो थर्मोरिसेप्टर, सिंपली आप इसको लिखो थर्मो थर्मोरिसेप्टर। तो इट डिटेक्ट द टेम्परेचर चेंज, ये डिटेक्ट क्या करता है? डिटेक्ट चेंजेस इन टेम्परेचर, चेंजेस इन टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर में चेंजेस हो रही है, that changes in the temperature is detected by the ampullae of Lorenzi, ठीक है। this is one of the particular characteristic of sharks, इनमें ये होता है। अब देखो ये तो ampullae of Lorenzi है, अब इनमें देखो ये भी एम्पुला ऑफ लोरेंजी भी एक टाइप ऑफ सेंसरी ऑर्गन ही है। अब देखो यहां पर इन कार्टिलेजियस फिशेस में कुछ कार्टिलेजियस फिशेस ऐसी होती है जिनके पास पॉइजन ग्लैंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डॉर्सल एक ग्लैंड जिसमें मैं बात करूंगा, एक तो है हमारे पास स्टिंगरे, स्टिंगरे। देखो स्टिंगरे क्या है? स्टिंगरे जो है इसके इसके पास ऐसा एक टेल होता है, और टेल पर यहां पर फॉर एग्जांपल एक ये डॉर्सल फिन है, वो मॉडिफाइड पॉइजनस फिन होता है, इज अ मॉडिफाइड
मॉडिफाइड पॉइजनस फिन. तो अगर इसको वहां पर कोई हाथ लगा देता है तो इट रिलीज द पॉइजन स्टिंगरे. तो स्टिंगरे के पास क्या है? पॉइजनस डॉर्सल फिन. इसके पास पॉइजनस डॉर्सल फिन होता है, ठीक है, स्टिंगरे के पास. तो दैट मींस दीज कॉन्ड्रियोथाइसिस वे मोस्टली दीज आर द डेंजरस फिशेस. ये बहुत बड़ी होती है एंड दे आर डेंजरस टू. वन ऑफ द एग्जांपल इज द स्टिंगरे. अनदर इज टॉरपीडो. टॉरपीडो देखो, अगर मैं इसको हटा दूं यहां पर, नाउ टॉरपीडो जो है, टॉरपीडो इलेक्ट्रिक, इसको हम इलेक्ट्रिक रे कहते हैं. इलेक्ट्रिक रे टॉरपीडो को हम इलेक्ट्रिक रे कहते हैं. ये ऐसे होती है, देयर हैविंग अ टेल लाइक दिस. ये टॉरपीडो है. तो टॉरपीडो में क्या, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक रे. इसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं. इट कंटेन्स इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स. इसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स जब इसको किसी प्रे को पैरालाइज करना होता है तो ये इसको एक इलेक्ट्रिक शॉक देती है. लगभग 50-60 वोल्ट का शॉक. इट प्रोड्यूसेस 50-60 वोल्ट इलेक्ट्रिक शॉक टू पैरालाइज द प्रे. टू पैरालाइज प्रे. प्रे को पैरालाइज करने के लिए ये 50-60 वोल्ट का एक करंट देती है, ठीक है. And this is electric ray. अब देखो, ये जो cartilage, मैं shark की बात कर रहा था. Shark जो है, जो cartilaginous fishes होती है mostly, ये बहुत deadly होती है. जैसे कि shark है, ये हमें खा जाती है. While हम किसको खा जाते हैं? हम bony fishes को खाते हैं. एक अब देखो, in chondrothysis में एक और character है, two chambered heart. Fishes में actually two chambered heart ही होता है. टू चैम्बर्ड हार्ट. तो आप इतना याद रखोगे, जो पाइसिस है दैट मींस फिशेस, फिशेस में ऑलवेज होता है टू चैम्बर्ड हार्ट, वेदर इट इज अ कार्टिलेजनस फिश और इट इज बोनी फिश. तो टू चैम्बर्ड हार्ट इनमें होता है. और इनमें कार्टिलेजनस फिशेस में भी लेटरल लाइन सेंस और लेटरल लाइन सिस्टम होता है. दैट मींस वो सेंसरी ऑर्गन की कैनाल्स जो होती है वो रन करती है हेड टू टेल, ठीक है, जिसको हम लेटरल लाइन सिस्टम भी कहते हैं. तो लेटरल लाइन सिस्टम इनमें होता है. लेटरल लाइन सिस्टम इज प्रेजेंट इन अ कार्टिलेजनस फिशेस. तो लेटरल लाइन सिस्टम में कैनाल्स होती है, सेंसरी कैनाल्स, जैसे कि नर्व्स वर्व्स निकलती है, कैनाल्स निकलती है फ्रॉम हेड टू टेल, ठीक है. तो उसको हम लेटरल लाइन सिस्टम कहते हैं. तो लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होता है इन द कार्टिलेजनस फिशेस में. तो आई थिंक अब देखो, अब इनके एग्जाम्पल्स है. यहाँ पर एग्जाम्पल्स जो है, एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर आपको देता हूं किनकी, कार्टिलेजनस फिश की. वन इज नोन एज ज़िगेनिया, ज़िगेनिया, ठीक है. स्कॉलिडॉन, स्कॉलिडॉन इंडियन डॉग फिश जिनको हम कहते हैं, इंडियन डॉग फिश. इलेक्ट्रिक रे जिसको हम टॉरपीडो कहते हैं, टॉरपीडो. देन देयर इज अनदर कार्टिलेजनस फिश व्हिच इज लाइक दिस. ये ऐसे होते हैं, इसके आरी जैसा इसका ये होता है मुंह. इट इज नोन एज साफिश. इलेक्ट्रिक ज़िगेनिया हो गया, स्कॉलिडॉन हो गया, इंडियन डॉग फिश जिनको हम कहते हैं, इलेक्ट्रिक रे, टॉरपीडो हम जिसको कहते हैं, साफ फिश इज अनदर. साफ फिश, ठीक है, साफ फिश इज अनदर. पिस्टस, तो ये भी हो गया. अब देखो, इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स है. रैपिड फिश है चाइमीरा जिसको हम कहते हैं, या रेनोडॉन, लार्जेस्ट साइज जो वेयर शार्क है दैट इज रेनोडॉन, ठीक है, रेनोडॉन है. These were the
रेनोडॉन, लार्जेस्ट जो शार्क है, ठीक है, रेनोडॉन। तो शार्क स्पार्क सारी किस में आती है? दे आर दे कम अंडर द कॉन्ड्रियोथाइसिस, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी कार्टिलेजियस फिशेस की। अब देखो कार्टिलेजियस फिशेस में मैं एक कैरेक्टर भूल गया यहाँ पर। कार्टिलेजियस फिशेस में जो मैंने टेल दिखाया था, तो टेल इनका क्या होता है? हिटीरियो सर्कल टेल, हिटीरियो सर्कल टेल। कार्टिलेजियस फिशेस हैज हिटीरियो सर्कल टेल। व्हाइल एज अगर मैं बोनी फिश की बात करूं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ बोनी फिश, देखो इसमें टेल में दो लोब्स हैं, दिस इज द टेल, और यहां पर जो ये इस फिन का अपर सुपीरियर लोब है, ये इंफीरियर लोब है। कॉडल लोब्स जो है, कॉडल लोब्स ये इक्वल है, ये भी उतना ही है, ये भी उतना है। तो इक्वल लोब्स जब हो जाते हैं फिन के, दैट इज नोन एज होमो सर्कल टेल, उसको हम होमो सर्कल टेल कहते हैं। व्हाइल एज अभी हमने कॉन्ड्रियोथाइसिस, कॉन्ड्रियोसाइट्स में देखा कि इनका टेल ऐसा होता है, कॉडल फिन। दिस इज अ कॉडल फिन, तो ये कॉडल फिन है, और ये कॉडल फिन इक्वलाइज नहीं होता है, ये अनइक्वल होता है। कॉडल फिन क्या होता है? इसमें जो लोब्स होते हैं वो अनइक्वल लोब्स होते हैं, तो जिसको हम हिटीरियो सर्कल टेल कहते हैं, हिटीरियो सर्कल टेल। तो हिटीरियो सर्कल टेल में क्या होता है? जो कॉडल लोब्स होते हैं, जो लोब्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। हिटीरियो सर्कल टेल हैज अनइक्वल कॉडल फिन लोब्स, कॉडल फिन लोब्स अनइक्वल होते हैं, ठीक है, अपर वाला और नीचे वाला, ये अनइक्वल होते हैं। व्हाइल एज होमो सर्कल टेल, ये बोनी फिश में पाया जाता है, इसमें दोनों कॉडल लोब्स क्या होते हैं, कॉडल फिन के, वो इक्वलाइज होते हैं। ये तो यहां तक हो गया। तो आई थिंक वी हैव डन विद द कॉन्ड्रियोथाइसिस। कॉन्ड्रियोथाइसिस हमने कंप्लीट किया है, कॉन्ड्रियोथाइसिस इज टोटली एंड टोटली कंप्लीट आई थिंक, ठीक है, यहां तक कंप्लीट है ये कॉन्ड्रियोथाइसिस का सारा कुछ। अब इसके बाद हम ऑस्टियोथाइसिस, दैट मींस बोनी फिशेस पढ़ेंगे, एंड बोनी फिशेस का लेक्चर कल आएगा। तो जब भी ये वाला लेक्चर आप यूट्यूब पर देखोगे, लाइक करना ना भूलिएगा, और जो मेरी चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगर आप पहली दफा मेरी चैनल को देख रहे हो, तो आप जल्दी से वहां पर अपना सब्सक्रिप्शन का बटन जो है वो वहां पर क्या करोगे, आप क्लिक करोगे और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करोगे, इन ऑर्डर टू गेट ऑल द वीडियो लेक्चर्स व्हिच आई एम अपलोडिंग। और जो टाइमिंग होती है मेरे वीडियो लेक्चर्स की अपलोड होने की टाइमिंग, मॉर्निंग में ही मैं वीडियो लेक्चर अपलोड करता हूँ, एंड वी आर डेलिंग जो मेरे आज के वीडियो लेक्चर्स हैं वो कहाँ से है, वो आते हैं, हमने एक पोर्शन, स्पेसिफिक पोर्शन मैंने उठाया, दैट्स एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के बाद, उसके बाद मैं आई थिंक या तो मैं स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन उठाऊंगा या तो मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी उठाऊंगा, ठीक है। तो एनिमल किंगडम खत्म होने के बाद हम अब दूसरा यूनिट भी स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक इसमें एक या दो लेक्चर्स और लग जाएंगे, और इसमें एक और लेक्चर मैं बना दूंगा, दैट इज जो मोस्ट या पास्ट 30 ईयर्स या कुछ भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं या पास्ट 3-4 ईयर्स में जो नीट के पेपर्स आए, नीट में जो क्वेश्चंस आए हैं, वो मैं उस पर मैं एक वीडियो लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है।